भगवान भूतपुर के नाम पे श्री भाजपा घूमता जा रहा है, काल रात भर पत्थर घुमा लेके घुमा है। ठीक है, कौन सा 144 मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ, अगर 144 में सही में रहा होगा तो काल रात को इतने ट्रेन कैसे रोक दिया गया? और जब पत्थरबाजी हुआ 24 नंबर वार्ड दूसरा में 4 नंबर गेट रेलवे का जलाया गया, 2 पुलिस गाड़ी जलाया गया, 144 में अब हमारा 10 नंबर काउंसिलर का ये ऑफिस को ऊपर हमला हुआ, कौन फोड़ किया? कौन सा 144 के नाम पे জারি ছিল না। ঠিক একইভাবে কিন্তু রাজনৈতিক বা বিভিন্ন কারণ দেখে প্রশাসনটাকে আটকে ছিল এবং তখন কিন্তু সুকান্ত মজুমদার একই কথা বলেছিলেন, কিন্তু 4-5 ঘন্টা এবং শেষে কিন্তু তার কাজকে আমি একবার বর্তমানে এখন দুয়ারে সরকার চলছে, তাহলে যে হাইস্কুলের মধ্যে দুয়ারে সরকার চলছে সেখানে 144 নেই আছে কিনা, যেখানে আমাদের মঞ্চ করেছিলাম সেই মঞ্চ ভেঙে দিয়েছে, আপনারা দেখুন সেখান থেকে ভিডিও এসছে, এক জায়গাতে পুলিশ দুয়ারে সরকার চালাচ্ছে আর এক জায়গাতে কি করছে বিজেপি সাংসদদেরকে আটকে রাখছে। সুকান্ত দা, আপ কই দের সে ইয়াহ পর খড়ে হ্যায় লেকিন আপকো পুলিশ অন্দর জানে নেই দে রহি হ্যায়, ধারা 144 কা জো হ্যায় ভাগো বহানা দে রহি হ্যায়, আপকি ক্যা মাঙ্গ হ্যায়, কব তক খড়ে রহেঙ্গে আপ? হম অন্দর জানা চাহতে হ্যায়, লোগো সে শান্তি কি আপিল করনা চাহতে হ্যায়। ইয়াহ পে আনে সে পহলে মাই দক্ষিণেশ্বর মন্দির গয়া থা, ওয়াহ পে মাতা কে পাশে প্রার্থনা কিয়া কি বঙ্গাল মে শান্তি আয়ে, মমতা ব্যানার্জি আপনি ভোট ব্যাঙ্ক কে লিয়ে কুছ লোগো কো জঙ্গ তত্ত্ব কো वहाँ पे प्रभोग कर रही है ऐसा दंगा करने के लिए। सारा लोग ऐसा नहीं चाहते, ज्यादा से ज्यादा लोग शांति चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी अपना पॉलिटिकल गेम के लिए खेल खेल रही है और हम इसको बंद करना चाहते हैं, पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। इसके लिए धरना हम देने जा रहे थे, पुलिस ने हमें यहाँ रोक दिया। 144 पॉलिटिकल 144 है क्योंकि आज सुबह 8 बजे इम्पोज किया गया, अभी उसी 144 के अंदर दुबारे सरकार चल रहा है जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग का जवाब रहा होगा। लेकिन आपकी तरफ से ये भी कहा गया कि आप वायलेंट नहीं करेंगे, 4 लोग फिर भी आपको क्यों पुलिस? वो सांसद जाना चाहते थे, इन लोगों ने हमें रोक दिया, यानी पुलिस खुद लॉ नहीं मान रही। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, बाकी आगे आने वाले कोर्स में क्या करना है आपको बताऊंगा। बीजेपी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार यहाँ पर দেখা করতে যাবো, আমার তো ইচ্ছে আছে, গতকাল আমাদের ধর্ণা দেওয়ার ইচ্ছে ছিল, পার্টির উদ্দেশ্য ছিল লাগাড়ে, তার জন্য আমরা ধর্ণা মঞ্চের আয়োজন করেছিলাম। ধর্ণা মঞ্চের
नहीं एक जगह पे तो आइए, ये और हमारा धरना मंच को तोड़ दिया गया और वहाँ वही धरना मंच के पास बाजी पुल में हमारे सरकार टीम है जिसमें हजारों की संख्या में लोग है। ये पॉलिटिकल 144 है, एडमिनिस्ट्रेटिव 144 नहीं है, सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए, हम लोगों को रोकने के लिए ये 144 इम्पोज किया जा रहा है और इसके खिलाफ हमारा आंदोलन चलेगा। हम पूरा पुलिस खड़े होकर दंगा कर रहा है, पुलिस के पास इंस्ट्रक्शन है कि जो दंगा ही है, जो बम मारे थे राम नवमी के जुलूस पर, उन लोगों के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं दिया जाए, नहीं तो उनकी पुलिस को एक गोली चलाना चाहिए था। एक दंगा ही अगर गिरता था तो और कुछ दंगा नहीं होता। धरना का मंच इन लोगों ने तोड़ दिया, हमारा धरना बंद कर दिया और इसलिए जब हम जा भी रहे थे यहाँ पे दो सैंक्शन से, आप जानते हैं 144 में 5% इज अलाउ, लेकिन वो भी हमें अलाउ नहीं कर रहे और हमें यहाँ पे रोका गया है। अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं पुलिस का, आगे क्या उनका डिसीजन है वो लिया है। उसके बाद हम भारत माता के, भारत माता के, बंदूक लेके थोड़ी जा रहे हैं, हम सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे शांति के लिए, लोगों से अपील करेंगे कि आप शांति रखिए, कम्युनल हारमोनी रखिए। ये क्या गुना है क्या? ये तो डेमोक्रेटिक राइट्स है हमारा, आप कैसे डिजर्व कर सकते हैं? आप बोलिए, दो आदमी बैठेंगे धरने में और कोई नहीं बैठेगा, आप दो जाएंगे लेकिन वो तो आपने कर रहे, आप कर रहे हैं ना, आपने रोक दिया इसको, आप जितना रोकेंगे उतना जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा भीड़ बढ़ते जाएगा। और ज्यादा संख्या में आदमी आते जाएंगे, कार्यकर्ता आएंगे, आदमी लोग आ रहे हैं चारों तरफ से आ रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है, प्रेसिडेंट सर बोल रहे हैं, आपको जाने दीजिए हमारे कार्यकर्ता। हम लोग किसी तरह का हिंसा नहीं चाहते हैं, जैसे कि अध्यक्ष साहब ने कहा। मीडिया है तो अंदर, देखिए हम तो शांति के लिए हमारा कहना चाहिए, लेकिन पुलिस ने हमारा सुबह धरना मंच तोड़ दिया। 8 बजे नया ऑर्डर निकाला गया 144, और ये पुलिस हमें रोकने के लिए खुद को इतना असमर्थ बार बार प्रमाण कर रहा है, क्योंकि कल 144 था जो एरिया में, वो एरिया आज बढ़ गया, मतलब पुलिस खुद एक्सेप्ट कर रही है के 144 रहते हुए भी वो सिचुएशन को शांत नहीं कर पाए, वो सिचुएशन को ठीक नहीं कर पाए, इसलिए 144 का दायरा बढ़ाना पड़ा। पुलिस खुद को इतने इनकेपेबल प्रूफ कर रहा है 144 लागू करके एरिया बढ़ा, और ऐसी पॉलिटिकल 144 है क्योंकि उसके बाजू पे जहाँ पे हमारा धरना मंच बना था, उसके बाजू में एक स्कूल को बंद करके उसी स्कूल में दुआरे सरकार, तो दुआरे सरकार में लोग होते हैं, लोग एप्लीकेशन देते हैं,
कहावत है आशाई भाषी चाशा, जिंदा आशा के लिए एक के बाद एक लेते रहते हैं। तो वहाँ पे भीड़ हो रहा है, वो अलाउड है। हम दो स्थान जिनके ऊपर जिम्मेदारी यहाँ के लोगों ने जनता जनार्दन दे दिया है कि क्या स्थिति है बंगाल का, कुछ उसको देखने के लिए लड़ाई करने के लिए हम वहाँ पे जाके धरना देना चाहते थे, उसको भी इन लोगों ने रोक दिया। और इट इज प्योरली ए पॉलिटिकली इम्पोज 144, ये एडमिनिस्ट्रेटिव 144 नहीं है। इसी वजह से किया गया। और कल देखिए, कल 144 रहते हुए दंगाइयों निकले, बम चार्ज किया, ट्रेनों पर पथराव हुआ, पुलिस तक दो पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई, एक भी अरेस्ट नहीं। और नमन्नो में बाई एक्सीडेंट एक गाड़ी आग लग गई थी पुलिस की, आज भी हमारे एक कार्यकर्ता को अभी भी कितना महीना हो गया बेल नहीं मिला। ये जो दोहरापन है इन लोगों का, जो डुअल स्टैंडर्ड है पुलिस का, ये दिखाता है कि ये पुलिस बायस्ड है और इनका द्वारा संभव नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। हम राज्यपाल से मिलेंगे, हमारा डेलीगेशन जाएगा और हम मांग करेंगे कि सेंट्रल ऑफिस की डिप्लॉयमेंट इमीडिएटली यहाँ पे किया जाए। काफी लंबी बहस आप दोनों, देखिए हम लोग कोई बहस नहीं कर रहे हैं और बहस करने के लिए हम आए भी नहीं, हम लोग तो अपना काम करने के लिए जा रहे थे। दो पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को उठा रहे हैं, भेज कर रहे हैं, केस दे रहे हैं। आज जो ओरिजिनल दंगाया है वो गोमा पत्थर लेके घूम रहे हैं, दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं चलने देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर इन लोग ऐसा सोच रहे हैं, ममता बनर्जी ऐसा सोच रही है, ये सब करके डरा के धमका के भाजपाओं को, हिंदुओं को डरा के हम यहाँ आगे करेंगे, सिंहासन में बैठ लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा चलने नहीं देंगे, कदापि नहीं चलने देंगे हम लोग, क्योंकि जनता यहाँ देख रही है। सेंट्रल फोर्स ऐसे नहीं आता है। सेंट्रल का फोर्स या तो राज्य सरकार को बोलना पड़ेगा या तो कोर्ट के माध्यम से होगा। हम लोग कोर्ट के माध्यम से जा रहे हैं, सिस्टम को बताए हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलने देंगे। पुलिस अपना लाठी के और बंदूक के जोर से अगर चाहेंगे कि हम लोग को रोकने के लिए, हम लोगों को भगाएंगे, मंदिर तोड़ेंगे और रामनवमी के जुलूस के ऊपर हमला करवाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के चलते। ऐसा नहीं होने देंगे, ये संभव नहीं है। ये बंगाल है, हिंदुस्तान के अंदर है, ये पाकिस्तान नहीं बना है। ये लोग पाकिस्तान बनाने का चक्कर में है, इसे कदा भी नहीं होने देंगे हम। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए हम आज राष्ट्रीय महामंत्र राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे भी है, अगर स्टेट गवर्नमेंट हमारा ईगो छोड़ता है, सेंट्रल से बात करे और सेंट्रल के पास मांग करे कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से भेजा जाए, तो लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ईगो की वजह से नहीं करेंगे। हम महामंत्र राज्यपाल के साथ बात कर रहे हैं, उसके बाद जाएंगे, उनसे मांग करेंगे कि वो गृहमंत्री जी से बात करें और जैसे भी यहाँ पे सेंट्रल पद्धति हो ये जो तस्वीर है दूसरे किसी राज्य का रामनवमी का या हावड़ा का नहीं है, हावड़ा का रामनवमी का यहाँ ने पूरी तरीके से बंगाल ममता बनर्जी, बंगाल की पुलिस एक दंगाइयों का पक्ष ले रहे हैं। दंगाई जो कि है, जो दंगा घूम जाता नहीं दिया गया, किसी को भी आरोप नहीं दिया। अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि भेज के लोग किया, धन्यवाद।
इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के राज्य अध्यक्ष उदंत मजूमदार है, दिल्ली रोड के ऊपर वो यहाँ पे खड़े हैं और पुलिस उनको सुजापुर में जाने के लिए रोक रहे हैं। सुकंत, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका कार्यक्रम